आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। शिव पार्वती के विवाह का शुभ दिन यानी कि शिवरात्रि का पावन दिन। वर वधु दोनों पक्ष इस विवाह को लेकर उत्साहित थे। देवी पार्वती की हल्दी लगने की रस्म आरंभ हो गई थी। स्वर्ग लोक की सभी देवियाँ, अप्सराएं, सखियाँ पार्वती को हल्दी का लेप लगाकर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही थी। पार्वती, ये आपके विवाह का जोड़ा महारानी ने भिजवाया है, देखिए कितना सुंदर है। सचमुच देखो पार्वती, कितना सुंदर विवाह का जोड़ा है। इस पर तो जड़ाऊ हीरे और सोने की कढ़ाई है। महारानी ने कहा है बारात के आने से पहले पार्वती को तैयार करना है। जया विजया, अभी बारात आने में कितना समय बाकी है? अभी तो कुछ समय बाकी है पार्वती। कभी देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती भी कक्ष में आ जाती हैं। देवी पार्वती, ओहो, महादेव से मिलने की इच्छा में प्रतीक्षा के ये पल काटना कठिन हो रहा है। देवी लक्ष्मी, आप भी इन्हीं की तरह मुझे सताने लगी। अच्छा अच्छा ठीक है। जया विजया, सर्वप्रथम पार्वती की हल्दी की रस्म होगी, तत्पश्चात पार्वती स्नान करके 16 श्रृंगार से तैयार होगी। हाँ, ये देखो भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंधित खुशबू से परिपूर्ण ये हल्दी का लेप। उधर शिव जी तो भोले भाले थे, उन्हें कौन बताए कि दूल्हा कैसे तैयार होगा। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म लीप ली और सभी शिवगण तो उन्हें उस रूप में ही देखते आए थे। उन्होंने शिव जी के उस रूप की बहुत प्रशंसा की। शाम के वक्त शिव की बारात निकलनी शुरू हो जाती है। इस बारात में देव, दानव, भूत, नाग, नागिन सब बाराती बने। उधर देवी पार्वती भी 16 श्रृंगार करके तैयार हो चुकी थी। बारात आ गई, चलो सब देखने चलते हैं। पार्वती, महादेव ये कैसा हुलिया बनाकर आ गए हैं? भूत प्रेत पिशाच संग लिए मानो ऐसे ही चले आए हैं। मैं तो उनके सामने नहीं जाऊंगी, डर के मारे तो मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। माँ, आप चिंता मत करो, मैं महादेव को समझाती हूँ। जब मैनावती ने महादेव की आरती उतारने से मना कर दिया तो स्वयं पार्वती जी महादेव को समझाने उनके पास गयी। प्रभु, आपका यह रूप देखकर सभी बाराती और माँ भी डर गई हैं। वो तब तक आपकी आरती नहीं उतारेंगी जब तक आप दूल्हे की वेशभूषा में नहीं आएंगे। कृपया करके आप स्नान आदि से निवृत्त होकर इस भस्म को शरीर से उतारकर सुंदर वस्त्र पहनकर सबके समक्ष आइए, अन्यथा कहीं ऐसा न हो हमारी विवाह में कोई बाधा आ जाए। ठीक है पार्वती, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम ऐसा ही करेंगे। पार्वती की बात को मानते हुए महादेव तैयार होकर बहुत ही सुंदर दूल्हे के रूप में सबके समक्ष आते हैं। रानी मैनावती महादेव के उस रूप को देखकर बहुत खुश होती है। इसके पश्चात वर वधु दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। फिर पार्वती के पिता हिमवान ने शिव से अनुरोध किया, महादेव कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए, आप शून्य क्यों हो गए, कुछ तो बोलिए। अब पार्वती, ये महादेव चुप क्यों बैठे हैं? समाज के लोग कुलीन नजरों से हमारी ओर देख रहे हैं, राजा महाराजा और पंडित सब में फुसफुसाहट शुरू हो गई है। जब वधु पक्ष के सभी पंडित और राजा शिव जी की ओर घृणा से देखने लगे तो नारद मुनि ने देखा भगवान शिव मौन अवस्था में आ गए हैं। नारद मुनि से रुका नहीं गया और वो सभा के बीच अपनी वीणा के तार खींचकर ध्वनि उत्पन्न करने लगे। नारायण नारायण, नहीं, इनके माता पिता ही नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही ना हो? क्योंकि महादेव स्वयंभू हैं, इन्होंने खुद की रचना की है, इनके न तो पिता है न माता, इनका न कोई वंश है न परिवार, ये किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है, इनका न तो कोई गोत्र है और न ही कोई नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है, ये इन सब चीजों से परे हैं, ये एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है, इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि, इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है, ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, उसके पहले ये कुछ नहीं थे, यही वजह है कि मैं ये वीणा के तार खींच रहा हूँ। देवर्षि नारद ने जब भगवान शिव के अस्तित्व की व्याख्या की तो वहाँ उपस्थित पूरी सभा शिव जी के चरणों में नतमस्तक हो गई।
राजा हिमवान को भी अपना उत्तर मिल गया था। देवी पार्वती भी आज अपने ऊपर गर्व कर रही थी। कुछ देर बाद सभी रस्मों के साथ शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो जाता है। सभी मेहमानों के लिए ढेरों पकवान का प्रबंध था। सभी बाराती भोजन खाने में व्यस्त थे। महादेव, मेरा तो हृदय बोल रहा है आज पूरे ब्रह्मांड में नृत्य करूं। तो देर किस बात की है नंदी, आज तो पूरा विश्व नृत्य करेगा। देवी पार्वती, आप देख रही हैं ना, ये सब आज कितनी प्रसन्न है। हाँ प्रभु, आपके ये भक्तगण मनमौजी होकर अपनी प्रसन्नता बिखेर रहे हैं। सब लोग मिलकर भोजन का आनंद उठाते हैं। उसके पश्चात माँ पार्वती की विदाई का समय आ जाता है और वो अपने माता पिता से गले लगकर रोने लगती है। पुत्री, तुम्हें संसार की सारी खुशियाँ मिले, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव, जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। पार्वती, अब तुम महादेव की अर्धांगिनी हो। अपने पति के हर सुख दुख में तुम इनका सदैव साथ देना। माँ पिताजी, आप भी अपना ख्याल रखना। राजा हिमवान, पार्वती पर पहला हक आपका है, इसलिए निसंकोच आप कभी भी पार्वती को मिलने आ सकते हैं, और पार्वती भी आप दोनों से बिना मिले नहीं रह पाएंगी। इसलिए पार्वती, आप जब चाहें अपने माता पिता से मिलने आ सकती हैं। राजा हिमवान, रानी मैनावती और समस्त अतिथियों का आशीर्वाद प्राप्त कर देवी पार्वती भगवान शिव के साथ खुशी खुशी अपनी ससुराल विदा हो जाती है। पंडित जेठानंद जी भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वो वाराणसी में रहते थे। शिव मंदिर में एक पुजारी के पद पर वो कई वर्षों से सेवा कार्य कर रहे थे। शिव पुराण, शिव व्रत उद्यापन, शिव चालीसा और शिव भजन कीर्तन आदि की पूजा विधि का कार्य वो भली भांति संभालते थे। अरे पंडित जी, आज आप बड़ी सुबह सुबह ही तैयार हो गए। सुशीला, आज किसी के घर में सावन सोमवार की पूजा है तो वो शिव पुराण का पाठ करवाना चाहते हैं, इसलिए मंदिर में पूजा कार्य करके सीधा उन्हीं के घर चला जाऊंगा। आने में शाम हो जाएगी। पंडित जी शिव मंदिर में पूजा करके उन लोगों के घर पहुंचते हैं जहां शिव पुराण का पाठ करवाना था। पूजा की तैयारी के बाद वो भगवान शिव के लिए एक आसन लगाते थे और उसके सामने एक त्रिशूल और डमरू स्थापित करके पूजा शुरू करते थे। ये जेठानंद पंडित जी का नियम था। अरे ये पंडित जी, पूजा से पहले एक आसन, ये त्रिशूल और ये डमरू क्यों स्थापित करते हैं भाई? जेठानंद पंडित जी से जब भी पूछते हैं वो यही कहते हैं कि जब वो पूजा करने लगते हैं तो स्वयं भगवान शिव उनकी पूजा सुनने के लिए इस आसन पर विराजित होते हैं। ये तो श्रद्धा भाव है पंडित जी का, तभी तो विश्वास के साथ ये आसन लगाते हैं, है कि नहीं? पंडित जेठानंद पूजा करवा कर घर आ जाते हैं। आ गए आप, चलो भोजन कर लो। अब कल से तो आपको मंदिर में भी समय लगेगा, शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ, कल शिवरात्रि है तो सभी कांवड़िये शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। दूर दूर से शिव मंदिर में लोग पूजा करने आते हैं, भक्तों की भीड़ रहेगी कल तो। अगले दिन पंडित जेठानंद सुबह सुबह मंदिर पहुंचते हैं। हाँ, ये प्रभु शिव शंकर का आसन बिछा देता हूँ, फिर पूजा आरंभ करूंगा। अब पंडित जी, कोई बहुत पहुंचे हुए महाराज शिव मंदिर में दर्शनों के लिए आ रहे हैं, उनके पीछे भक्तों की भीड़ भी है। आइए महाराज, आइए, आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर इस मंदिर की शोभा बढ़ाइए। स्वामी महाराज की जय, स्वामी महाराज की जय। सबका कल्याण हो, पहले हम मंदिर में थोड़ी देर विश्राम करना चाहेंगे। अच्छा, तो ये आसन हमारे लिए बिछाया है, अति सुंदर अति सुंदर। क्षमा कीजिए स्वामी महाराज, ये आसन तो मैं भोलेनाथ के लिए सजाता हूँ, वो मेरी पूजा में अपनी हाजिरी देकर उसे संपूर्ण करते हैं। मूर्ख, कभी भगवान भी ऐसे आसन पर आकर बैठ जाएंगे? ये असंभव है, ये तुम्हारा पागलपन है। मेरा विश्वास है, जो कई वर्षों से मैं ये आसन बिछाता हूँ और मुझे पता है भगवान शंकर सदैव मेरी पूजा में इस आसन पर विराजमान होते हैं। अच्छा, तो
तो फिर प्रमाणित करके दिखाओ पंडित जी कि सच में भगवान शंकर इस आसन पर बैठते हैं। स्वामी महाराज, भगवान में आस्था और विश्वास ही हमारी पूजा को सफल बनाता है। इधर उधर की बातें मत करो पंडित जी, मुझे प्रमाण दो कि इस आसन पर शंकर महाराज विराजित होते हैं। मैं भी तुम्हारी भक्ति में शक्ति देखना चाहता हूँ कि तुम में भला ऐसा क्या है जो सिर्फ तुम्हारे कहने पर भगवान स्वर्गलोक को छोड़कर यहाँ तुम्हारी पूजा में बैठने आ जाते हैं। स्वामी महाराज, आपको प्रमाण चाहिए तो मुझे कल तक का वक्त दीजिए। पर मैं कैसे विश्वास कर लूं कि पंडित जी आप कोई चालाकी नहीं करेंगे? अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप ये आसन अपने पास रखिए और कल जब मैं इसे पूजा के समय यहाँ रखूंगा, बस आप इसे यहाँ से उठाकर कहीं और रख देना, आपको प्रमाण मिल जाएगा। ठीक है, यदि तू सच्चा भक्त होगा तो मैं तेरा सेवक बन जाऊंगा, और यदि तू असफल रहा तो तू इस मंदिर को छोड़कर चला जाएगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है स्वामी महाराज। स्वामी महाराज को आसन सौंपकर पंडित जी घर आ जाते हैं। लोग इस विषय में बातें करने लगते हैं। पता नहीं भाई, अब कल देखते हैं किसकी जीत होगी और कौन हारेगा। आ भाई, पुजारी जी बरसों से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, उनको विश्वास होगा भगवान शंकर पर, तभी तो इतनी बड़ी बात कह दी। देखते हैं कल क्या होगा। उधर स्वामी महाराज अपने एक चेले से बातें करने लगते हैं। मुझे पता है, ये पंडित बरसों से मंदिर में चढ़ रहे दान दक्षिणा पर कुंडली जमाए बैठा है। अब इस पंडित की सच्चाई सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। स्वामी महाराज, आपने बिल्कुल सही शर्त रखी है, कल इस पंडित का भांडा फूट ही जाएगा। हाँ, फिर तो सब लोग आपकी वाहवाही करेंगे। पंडित जेठानंद भी घर आ जाता है। सुशीला पूछती है। पंडित जी उसे सारी बात बताते हैं। सुनो जी, आप तो भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हो, और भोले भंडारी के होते हुए आपको चिंता की क्या आवश्यकता? हाँ सुशीला, मैंने तो सब कुछ भोले बाबा पर छोड़ दिया है, और मैं जानता हूँ वो मेरे विश्वास की लाज जरूर रखेंगे। पंडित जी भगवान शंकर को याद करते हैं। हे भोलेनाथ, हे परमेश्वर, कल आपके भक्त की परीक्षा है, और मुझे पता है कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे। अगले दिन पंडित जेठानंद मंदिर पहुँचते हैं। स्वामी महाराज पहले से ही मंदिर में पहुँचे हुए थे। आइए पंडित जेठानंद जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। चलिए, ये रहा भगवान शिव का आसन, लगाइए इसे और पूजा शुरू कीजिए। देखें भगवान यहाँ विराजेंगे या नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, यदि मैं सच्चे हृदय से आपका नाम लेता हूँ, यदि मैंने अपने शिव शंभू की सदैव सच्चे मन से पूजा की है, तो मेरे भोलेनाथ आज यहाँ विराजो। हे नीलकंठ, आज यहाँ विराजो। पंडित जी शंकर भगवान का स्मरण करके मंत्र जाप कर रहे थे। स्वामी महाराज तो बस इसी इंतजार में थे कि कब पंडित जी का विश्वास टूटे और वो पंडित जी को झूठा साबित करे। तभी, स्वामी महाराज, यदि आपको लगता है भगवान शंकर इस आसन पर नहीं बैठे, तो क्या आप इस आसन को उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं? अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रुको, अभी इस आसन को वहाँ सामने रख देता हूँ। दूध का दूध पानी का पानी अभी हो जाएगा। अरे, ये आसन उठ क्यों नहीं रहा? ये तो डस से मस भी नहीं हो रहा। ये असंभव है। अरे, मैं तो जोर लगा रहा हूँ, ये आसन उठाना मेरे लिए मुश्किल है। तो क्या सचमुच भगवान शंकर इस पर बैठे हुए हैं? तभी स्वामी महाराज को महसूस होता है जैसे किसी ने उनके हाथ को ही छिटक दिया हो। वो घबरा जाते हैं और पंडित जी से क्षमा मांगते हैं। सब लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं।
हे महादेव, आप सचमुच इस आसन पर बैठे हैं, मुझे यकीन हो गया। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपकी भक्ति जीत गई, मैं गलत था। आप तो सचमुच भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो। नहीं नहीं स्वामी महाराज, भगवान शंकर के लिए सभी भक्त एक समान हैं, बस विश्वास और लगन की आवश्यकता होती है। भगवान शंकर ने पंडित जेठानंद का विश्वास टूटने नहीं दिया। स्वामी महाराज को पता चल गया था कि पंडित जेठानंद की भक्ति में बहुत शक्ति है और वो शक्ति सभी के पास होती है, बस उसमें श्रद्धा का दीपक जलाने की जरूरत होती है।